हर हर महादेव। आपने मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें शिवलिंग का श्रृंगार जो है, श्रृंगार की वीडियो जिसमें शिवलिंग बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, शॉर्ट्स आप हमेशा देखते हो। मुझे लगा क्यों ना आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आए, जब भोलेनाथ का श्रृंगार चल रहा है क्यों ना हम उसके दर्शन करें जब श्रृंगार चल रहा होता है। तो वैसे तो गौरक्षा छोटे बच्चे के साथ कभी भी सही समय पे पहुंचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन ही है। ऐसे ही आज भी हमारे साथ हुआ। हमें पता था श्रृंगार कब शुरू होता है लेकिन हम थोड़े से लेट हो गए, क्योंकि मैं गौरक्षा को बार बार कह रही थी मंदिर चलते हैं लेकिन वो उसने लेट करा ही दिया। अब हमें जब पहुंचे तो बहुत सारी पेंटिंग्स जो थी वो खत्म हो चुकी थी। हमें पता चला कि ये केमिकल फ्री जो कलर यूज़ किए जा रहे हैं, आटा यूज़ करके इस श्रृंगार को जो है कंप्लीट किया जा रहा है। तो ऑलमोस्ट जो है उनकी पेंटिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई थी जब हम पहुंचे हैं। पंडित जी बड़ी रीझ के साथ जो है पेंटिंग जो है उसको कर रहे थे, और ऑलमोस्ट जो है उन्होंने पेंट जो है वो कर दिया था, और ये कुछ व्हाइट कलर के साथ कर रहे थे वो। ये गौरक्षा की स्माइल तो देखो, ये अपने डैडी और बॉल के साथ मंदिर पहुंची हुई थी और बॉल के साथ ये मंदिर में खेल रही थी। उसको मंदिर में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। भोलेनाथ जो है उनके जो शिवलिंग है उसको साफ कर दिया गया अच्छे से, और अब जो है माला के साथ जो है ये श्रृंगार जो है उसको आगे किया जाने लगा। बहुत सारी कलेक्शन है मंदिर में मालाओं की, तो उसी के साथ पंडित ने जो है श्रृंगार जो है वो शुरू किया। और ये व्हाइट कलर की माला के साथ जैसे भी पंडित जी ने दो तीन चीज़ें करके देखी, जो उनको सही लगा वो उन्होंने करना जो है वो शुरू कर दिया। और ये भोलेनाथ की पेंटिंग आप देख ही सकते हो, और भी कलर की मालाएं उन्होंने ली और श्रृंगार को जो है ख़त्म किया जैसे भी उनको सही लगा। अब आप आगे देखिए, अब आगे क्या किया गया है, एक हरे रंग की माला भी वहाँ पे जोड़ दी गई है। और इसके बाद जो है देख सकते हैं गौरीशा इस समय बहुत इंजॉय कर रही है, वो खुश है, नंदी जी के साथ खुश है, मंदिर में खुश है, जो भी लोग आए हैं। और ये बड़ा मुकुट पंडित जी लेके आए, लेकिन ये बहुत बड़ा था तो पंडित जी जो है उन्होंने इसको लगाया तो सही नहीं बैठा, ये छोटा मुकुट लाया गया, और साथ में एक छोटा सा चंद्रमा भी जो है वो लगाया गया शिवलिंग के ऊपर, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये देखिए चंद्रमा, मैंने सोचा आपको साथ से दिखा दूँ। और ये देखो लाल रंग का मुकुट भी प्यारा लग रहा है शिवलिंग के ऊपर। ऑलमोस्ट जो है इसके बाद एक शॉल जो है वो भी उड़ाई गई शिवलिंग के ऊपर, बहुत ही जो प्यारी शॉल थी वो थी यहाँ पे। और पंडित जी बाकी जो छोटे मोटे काम बचे थे वो कर रहे थे इस समय। और ये देखो शॉल का प्रिंट बड़ा ही प्यारा था। और इसके बाद जो है ये जो है छत्र जो है वो भी लगाया गया, जो कि रोज ही लगाया जाता है मंदिर में, उसको भी लगा दिया गया। ये मैंने गौरक्षा को बुलाया कि गौरक्षा आप जल्दी से आ जाइए, महादेव का श्रृंगार ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो आप आ जाइए। और भी लोग जो है श्रृंगार देखने के लिए आ ही रहे थे उस समय। ये जो है पंडित जी ने जो फूल जो है उनकी मालाएं जो है माला जो पहले से चढ़ी उनको तोड़ के ये फूल जो है उनको ऐसे बिखेर के रखा हुआ था, ताकि वो अपने शिवलिंग का जो श्रृंगार है उसको कंप्लीट कर सके। गौरक्षा का भी यहाँ पे खड़े होकर बड़ा मन था कि वो भी इस काम में जो है अपना योगदान डाले, लेकिन मुझे था पंडित जी अपना काम जो है वो अपने अकॉर्डिंग ही करे, तो मैंने उसको मना कर दिया कि आपको अभी थोड़ी देर में हम कोई और सेवा देते हैं। तो वो जो है वो सेट होगी, उसको समझ आ गया कि हाँ मुझे ये काम नहीं करना है, मम्मा रोक रहे, कोई रीजन होगा। सब हमेशा तो नहीं सुनती, पता नहीं कैसे उसने उस समय सुन ली, वो समझ गई कि सही बोल रहे हैं। वैसे उसका मूड खराब हो गया था कि मैंने उसको ये करने से रोका। इसके बाद पंडित जी ने जो बचे हुए फूल थे उसको जो है शिव का जो मंदिर है वहाँ पे बिखेरना, उनकी वर्खा करनी एक जिस तरह से मैं बोलूँगी शुरू कर दी, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। और उन्होंने सारे के सारे यहाँ पे ये देखो कितने सुंदर वे से फूल जो है बिछा दिए। ये देखो बहुत सारे फूल अभी भी पड़े हुए थे जो पंडित जी का था। ये गौरक्षा को सेवा मिल गई, वो क्या कर रही थी, फूल जो है वो पंडित जी ने कहा था मुझे और चाहिए श्रृंगार के लिए, तो गौरक्षा जो है फूल बिखेरने का काम कर रही थी ताकि जो नंदी पे भी डाल सके। और ये देखो अभी भी फूलों की बरखा जो है शिव मंदिर में चल रही है। बड़ा ही अच्छा सा आनंद सा एक अच्छी सी खुशबू जो है मंदिर में जो है बिखर गई थी इन फूलों की। और ये देखो अभी कितने कितने फूल जो है पंडित जी ने बरखा उनकी चला जो है मंदिर में कर रहे हैं।
इसके बाद जो है बहुत सारे फूल अभी भी बचे हुए थे, जो कि पंडित जी का था कि मैंने जो है नंदी जी के ऊपर उसका श्रृंगार करना, तो उन्होंने नंदी जी के आसपास भी वो जो फूल हैं वो बिखेर दिए थे। बहुत सारे लोग वहाँ पे सेवा कर रहे थे। तो ये देखो हमारे महादेव जो है उनका श्रृंगार जो है वो हो गया हुआ है ऑलमोस्ट। कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे महादेव, उनकी सारी मालाएं और श्रृंगार कितना प्यारा लग रहा है। इसके साथ साथ मुझे था आपको महादेव और पार्वती जी के दर्शन भी करा दें। हर हर महादेव।